नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। आज के सबसे बड़े मुद्दे पर ये सीधा सवाल, ये बहस होगी क्योंकि 5 बज चुके हैं। देश में चुनावी क्रांति की बात हो रही है। पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव को लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई है जो अभी भी चल रही है। बैठक इसलिए कि एक देश एक चुनाव पर सभी पार्टियों की राय जान ली जाए, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी बैठक में नहीं पहुंची है। एक देश एक चुनाव को लेकर अलग अलग राय हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं, बैठक में भाग न लेना कहां तक जायज है? ये नहीं होना चाहिए, ये हम मानते हैं। इसे सिर्फ विरोध के लिए विरोध कहा जाएगा कि हमें किसी कीमत पर आपके इस एक देश एक चुनाव वाले मसले में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तर्क और वितर्क भी नहीं करना है। क्या अच्छा ये नहीं होता कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को एतराज है वो बैठक में आते और अपनी बात रखते? हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकल आता। अगर नहीं भी निकलता, चलिए, तब भी अपनी बात रखने से किसी को परहेज क्या होना चाहिए? लेकिन पूरी तरह बॉयकॉट करना, ये कैसी परंपरा है? आज सीधा सवाल इसी मुद्दे पर होगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवाओ। उससे पहले ये रिपोर्ट, फिर वो 5 सबसे बड़े और सुलगते सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी बहस आज होगी। एक देश एक चुनाव पर सरकार की सबसे बड़ी बहस। ऐसा महसूस लोग कर रहे हैं कि विकास के लिए बाधक है, सालों भर कोई न कोई, कभी त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत का, कभी असेंबली का, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन प्रधानमंत्री की बैठक का कांग्रेस ने किया बायकॉट। बीजेपी पर असली समस्याओं से ध्यान हटाने का आरोप। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी जो मूल समस्याएं देश में है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक प्रोजुडिस के कारण एक इतने अच्छे मौके को गंवाती है तो निश्चित तौर से ये उनकी अपनी समस्या है। बीजेपी के सहयोगी एक देश एक चुनाव पर सरकार के साथ। जनता दल यू वन नेशन वन इलेक्शन की मांग का प्रबल समर्थक है। हम प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हैं, इससे फिजूल खर्ची रुकेगी और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देगी। एसपी ने एक देश एक चुनाव को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। बड़ा देश है, इसमें हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं और जब राज्यों का चुनाव होता है तो उसके हिसाब से लोग अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं कि राज्य की क्या समस्या है। मोदी की चुनावी क्रांति पर कोहराम क्यों? सवाल में अब वो सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ जिसके इर्द गिर्द आज की बहस हमारी होने वाली है। पहला जो महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि एक देश एक चुनाव पर बहस से किसी को क्यों इनकार? दूसरा सवाल ये कि बीजेपी एक देश एक चुनाव देश पर क्या थोप रही है? तीसरा सवाल, एक देश एक चुनाव संविधान के खिलाफ है क्या? चौथा सवाल, बीजेपी असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा रही है? पांचवा, एक देश एक चुनाव देश की तरक्की के लिए क्या वाकई जरूरी है? इन पांचों सवाल का जवाब देने के लिए आज जो मेहमान खासतौर पर एबीपी न्यूज के इस मंच पर मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव आपको नजर आ रहे हैं, सांसद है बीजेपी के, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। जीवीएल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रतन शादा साहब है, लेखक है, और आप जानते हैं कि सरकार की नीतियों को लेकर और खासकर राइट विंग पॉलिटिक्स के समर्थक रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशांत वर्मा राजनीतिक एक्सपर्ट हैं और यहाँ पर विपक्ष के जितने भी तर्क हैं उनको बहुत बुलंद तरीके से आगे रखते हैं, आपका भी निशांत बहुत बहुत स्वागत है। नवाब मलिक साहब प्रवक्ता है एनसीपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल चक्रवर्ती भी है, टीएमसी समर्थक है, आप जानते हैं ममता बनर्जी इस पार्टी में
जो ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत नहीं कर रही है, उसका बॉयकॉट किया, इसीलिए राहुल जी का होना जरूरी था। मोदी की मीटिंग से विपक्ष आउट, एक साथ चुनाव पर सियासी तनाव बरकरार है और इसी को लेकर चर्चा शुरू करनी है। सबसे पहले जीवीएल मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, विपक्ष का ये कहना है कि ये आपका एजेंडा है, कोई क्रांति नहीं है, आप जानते हैं कि अभी कोई मजबूत चेहरा नहीं है, इसीलिए 2047 का जिक्र आपके कई मंत्री और कई नेता करते हैं कि अब तो बीजेपी 2047 तक ही रहने वाली है, 47 तक रहने वाली है, उसके आगे भी रहेगी, और आपको ये लगता है कि यही मुफीद मौका है एक देश एक चुनाव के पथ पर इस देश को ले जाने के। रूबिका जी, यह चर्चा कोई नई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों से पीएम बनने के बाद इस विषय को लगातार चर्चा में रखे हुए हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये नहीं है कि लोग एक ही वोट डालेंगे। जब लोकसभा विधानसभा एक साथ भी चुनाव होते हैं, जैसा अभी हाल में अभी इसी चुनाव में आंध्र में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, ओडिशा में हुआ था, दोनों चुनाव एक साथ हुए लेकिन लोग दोनों के लिए अलग अलग वोट डाले क्योंकि उसमें प्रत्याशी अलग हैं, लोगों की चुनने वाली पार्टी भी अलग हो सकती है। आप उदाहरण के तौर पर ओडिशा लीजिए, जहां हमें बहुत बड़ी सफलता लोकसभा में मिली थी और उतनी मात्रा में सफलता हमें विधानसभा में नहीं मिली है। तो लोग यदि किसी पार्टी को केंद्र में ज्यादा चाहते हैं या प्रदेश में ज्यादा चाहते हैं, वो ऑप्शन उनके पास एक साथ चुनाव होने से भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो किस बात का डर है? क्या चुनाव से डरने लगे हैं क्या विपक्षी दल? मैं इस सवाल को आगे ले जाती हूं, क्या चुनाव से डरने लगे हैं विपक्षी दल? नवाब मलिक साहब, 1971 तक, क्या 71 तक साथ साथ चुनाव हो रहे थे 71 तक देश में? ठीक है, तब कोई खतरा नहीं थी संविधान को? 52 में ऐसा हुआ, 57 में ऐसा हुआ, 62 में ऐसा हुआ, 67 में ऐसा हुआ, वो तो आप जानते हैं कि 68 में ये परंपरा कहीं ना कहीं टूट गई थी। अब इस परंपरा को वापस अगर एक ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाए नवाब मलिक साहब, तो दिक्कत क्या हो सकती है? पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं नवाब मलिक साहब, पिछले 5 सालों से या इससे पहले भी जब से ये अलग अलग चुनाव का मसला शुरू हुआ है, पूरा देश चुनाव के मोड में ही रहता है। ऐसा कि कई बार नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो गया है, तो क्या देश को इस तरफ सोचना नहीं चाहिए? देखिए ऐसा है रूबिका जी, आज की जो बैठक है प्रहलाद जोशी साहब जो निमंत्रक थे उन्होंने बुलाई, सिर्फ एक मुद्दे पे बैठक थी। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया ये गलत है। 5 अलग अलग मुद्दे इसमें रखे गए थे और हमें लगता है कि अगर इस पर ही बैठक बुलानी है तो एक अलग से बुलाई ली जाती। जो 5 मुद्दे थे उसमें पार्लियामेंट की कार्य क्षमता बढ़ाना, एक देश एक चुनाव, गांधी जी की 150वीं जन शताब्दी, 75 साल भारत की आजादी के, और जो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ऐसे 5 मुद्दे रखे गए थे। ठीक है, हमारी पार्टी ने उसमें शामिल होने का निर्णय लिया, हमारे नेता वहां गए हैं। सवाल एक देश एक चुनाव की हम बहस जब कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि एक देश एक चुनाव करना चाहती है तो ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन करने के लिए जो कुछ बाधाएं हैं उसका क्या इलाज होगा, उसको भी कहीं ना कहीं एक व्हाइट पेपर या कागज पे बनाकर खाका पेश करते। सवाल ये है कि अगर ये निर्णय हम ले लें तो पार्लियामेंट या विधानसभाओं की समय सीमा को घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा? नवाब मलिक साहब, कुछ चुनाव समय ने जरा सुनिए, मेरे बात पूरी हो जाने, परिपक्वता के साथ आपकी पार्टी ने ये फैसला लिया। मैं आऊंगी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी क्योंकि आप जानते हैं 3 और मेरे मेहमान हैं। अगर बात पूरी होने देना चाहती हैं तो हम लोग बात करेंगे, अगर नहीं बात करने देना है तो हमने तो निर्णय लिया था, आज से हमने शुरुआत की है। अगर बात ही किसी की नहीं पूरी होगी तो आप टोकते रहिए, फिर हम लोग को ना बुलाइए। कौन टोक रहा है? परिपक्वता कोई टोकना होता है क्या नवाब मलिक साहब? कैसी बातें कर रहे हैं जब मैं बात नहीं मैं जब आप रखिए ना अपनी जब बात मैं पूरी बात पूरी कर रहा हूँ, आप पूरी करने दें।
इतना अगर आपको नहीं करने देना है तो मैं चुप रहता हूँ। नहीं आप बात पूरी कीजिए, मुझे लगा आपने बात कंप्लीट किया, मैं आगे बढ़ती हूं। आप लोगों को मैनर सीखना पड़ेगा नवाब मलिक, आप लोगों को बहस कराने का तरीका सीखना पड़ेगा। जब कोई बात कर रहा है तो आप रोकेंगे नहीं, आप डिबेट है भाई, मैं आपकी बात सुनूंगी, दोबारा वापस आऊंगी। डिबेट का मतलब आप क्या बात करने नहीं देंगी? ठीक है नमस्ते, अगर आपको मुझे बात नहीं करने देना तो आप डिबेट करते रहिए, हमको ना बुलाएं। नवाब मलिक साहब प्लीज आप अपनी बात रखिए, किसने मना किया? मैं कह रही हूँ एनसीपी ने परिपक्वता दिखाई, वो उस मीटिंग में सर्वदलीय बैठक में गई है। मेरी आपसे तो आप कहिए, अब इसमें तूतू मैम की क्या बात पूरी हुई थी? कंप्लीट आपने मुझे टोक दिया, आप अपनी बात फिनिश कीजिए। नहीं कोई तूतू मैम नहीं, आपको एटिकेट सीखना पड़ेगा डिबेट करने का। आप अपनी बात फिनिश कीजिए, ऐसा है कि अगर जो शंकाएं हमारे मन में है, क्या विधानसभा लोकसभाओं की समय सीमा घटाई जाएगी कि बढ़ाई जाएगी? एक अगर कोई अविश्वास के कारण सरकार गिर जाएगी तो क्या व्यवस्था होगी, या किसी कारण से उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, असेंबली भंग हो जाएगी, तब क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? ये सारा कागज पे अगर पेश कर दिया जाए तो अच्छी बात है, विपक्ष अपनी बात रख लेगा। लेकिन चुनाव सुधार की बात है तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महिला आरक्षण का, जो पिछले 10 साल से लटका है, बीजेपी के संकल्प पत्र में है, उसको क्यों नहीं शामिल करते? हर 10 साल में डिलिमिटेशन होना है, 10 साल के अंदर 2010 का जो भी डाटा आ गया है उसका भी निर्णय ले लेते। तो और भी सवाल है हमारे तरफ से, ये सारे मुद्दे यहाँ मीटिंग में रखे जाएंगे और रखा गया है मीटिंग में। ओके सर, अब मैं आगे बढ़ू। नवाब मलिक साहब ने अपनी बात पूरी की, उन्होंने कहा डिलिमिटेशन का मुद्दा है 10 साल के अंदर, वो आप लोग उसे आगे नहीं बढ़ाते हैं। महिला आरक्षण का मसला है वो आपके जहन में नहीं रहता। जीवीएल इसका जवाब दे दीजिएगा आप। आप हर बार एक नया जो तुर्रा है वो छोड़ देते हैं, पुरानी बातें, पुराने वादे जो आपने किए उसको आपको आगे लेकर नहीं जाना है। जीवीएल जवाब दीजिए इसका, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। रूबिका जी, जो आज नवाब मलिक जी ने जो कहा, कई विषयों पर विस्तृत चर्चा होने की आवश्यकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत कुछ चर्चा करने की जरूरत है और मेरे समझ में ये संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि किसी सरकार के कार्यकाल आप बढ़ाएं, तो उसमें कुछ सरकारों को पहले उनको भंग करना पड़ेगा। ये सारा जो डिटेल का विषय है, एक वर्किंग पेपर नीति आयोग ने बनाया था, उसमें कई विचार सुझाए गए और इस पर बहुत चर्चा होने की आवश्यकता है। वो पार्लियामेंट फोरम में भी हो सकता है, ऐसे पार्टियों के ऑल पार्टी मीटिंग में हो सकता है, एक बार ये सहमति बन जाए कि हम इस दिशा में जाने के लिए तैयार हैं। ज्यादातर पार्टियां तैयार हैं तो मैं समझता हूं ये पूरे विषय पर सबको बैठकर तय करना होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो डिलिमिटेशन की वो बात कर रहे हैं, वो पहले कितने समय लिया गया हम सब जानते हैं, बट लेकिन तुरंत इस पे फैसला करने का कोई स्कोप है नहीं है, मैं इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, बट लेकिन कम से कम 2 दशक में एक बार हो जाए वो भी बहुत बार, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ था। और महिला आरक्षण की जो बात है उसको कहने के लिए सभी पार्टी कहते हैं हम इनके इसके साथ हैं, और जिस प्रकार रोडा डाला गया कि जो एनसीपी आप यूपीए सरकार में थी उसी समय हमने राज्यसभा में इसको हमने समर्थन दिया था, ये पारित हो गया था राज्यसभा में, फिर भाई यूपीए ने इसको लोकसभा में क्यों पारित नहीं किया था, ठीक है क्या कारण था? तो इसलिए कुछ अब जल्दी से नवाब मलिक साहब अपनी बात रखिए, क्योंकि सवाल जवाब यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए और फिर मैं फिर दोबारा अपने मसले पर आना चाहूंगी। नवाब मलिक साहब जवाब दे दीजिए, आपने सवाल उठाया वो जवाब दिया जीवीएल ने, आप उससे अग्री करते हैं या नहीं? है कि हर 10 साल में डिलिमिटेशन सेंसस के आधार पे होना चाहिए, अगर ईमानदार कोशिश होनी चाहिए तो इसका निर्णय हो। महिला आरक्षण हम पारित नहीं करा पाए, हमारे पास बहुमत नहीं था, 5 साल में आपका बहुमत था, अधिकांश पार्टियां आपके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है, आपके संकल्प पत्र में था। हमें लगता है सबसे ईमानदाराना अगर निर्णय लेना है तो महिला आरक्षण तो कल आप पारित करना चाहो तो इसी सेशन में 1-8 दिन के भीतर वो पारित हो जाएगा। एक देश एक चुनाव से कोई भागता नहीं, लेकिन जो शंकाएं हैं वो सामने रखने का काम करें। ओके, क्या उपाय? एक देश एक चुनाव से कोई भाग नहीं रहा है,
लेकिन क्या ये एनसीपी कह सकती है? इसलिए क्योंकि आज जो अलग अलग बात अलग अलग चीजों पर वहाँ सर्वदलीय बैठक हो रही है निशांत, वो हो सकती है, लेकिन लेकिन निशांत आप जानते हैं कांग्रेस तो भाग गई, टीएमसी, राहुल मैं आपके पास आऊंगी, टीएमसी भी भाग गई एक दिन, एक चुनाव, एक देश वाले मुद्दे से, क्यों, क्या वजह है? आपका कहना बड़ा थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है कि भाग गई। अब ये तो वही वाली बात है कि आज इस प्रोग्राम के बाद हम सारे पैनलिस्ट आपके साथ मिलना चाहें, क्योंकि आप एक मीटिंग बुलाएं कि भाई नेक्स्ट हफ्ते से हम लोग चांद पे एक पैनल बना करके बैठ के वहां से टेलीकास्ट करेंगे। ये जो मुद्दा है एक देश एक चुनाव, इससे पहले इतने बारीक और छोटे छोटे इस देश के मुद्दे जो आज तक सॉल्व नहीं हुए उन पे तवज्जो देने के बजाय मैं ये जानना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने जब ये मुद्दा उठाया अभी हाल में, उन्होंने दो कारण दिए कि वो सबसे पहले जरूरी जानना कि दो कारण क्या थे एक देश एक चुनाव के। पहला मुद्दा उन्होंने ये कहा कि सारा साल हर समय कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं और उस चुनाव होने की वजह से शासकीय प्रबंधन, शासकीय काम, शासकीय इंपॉर्टेंस और उस पर तवज्जो देने में तकलीफ होती है। ठीक है, तकलीफ ये नहीं होती, तकलीफ ये होती है कि शासन कर रहे हैं वो इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो बजाय के शासन करें वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। अब अगर वो अच्छा शासन करेंगे तो उन्हें इलेक्शन मोड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, पर उस डर से कि शासन तो हो नहीं रहा है तो हम इलेक्शन मोड में रहेंगे, तो ये उनकी पहली तकलीफ, मेरी नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि खर्च बहुत बढ़ जाता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। अभी हाल में 2019 में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव देखे, लोकसभा चुनाव की तैयारी से लेकर के पूर्ण होने में कम से कम 4 से 5 महीने तो लगे होंगे, हुए भले ही वो 2 महीने के अंदर। अब अगर आप सारे राज्यों को भी एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल तक तो इस देश के अंदर चुनाव ही चलते रहेंगे, और ये तब रतन शाह, और ये तब जब हम सिर्फ लोकसभा और असेंबली की बात कर रहे हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से जीवीएल नरसिम्हा राव साहब को पंचायतें, कॉरपोरेशन, नगर पालिका सब जोड़ देना चाहिए। रतन शादा, क्या ये देश एक चुनाव एक देश इस कॉन्सेप्ट पर आगे जाने के लिए तैयार है? निशांत ये कह रहे हैं कि भाई अभी जब आपको लोकसभा के लिए तैयारी करनी होती है तो 4-1 महीने तो लग जाते हैं, जब ये सब वन नेशन वन पोल की तरफ आएंगे तब 1-2 साल वैसे ही चले जाएंगे। वन नेशन ऑलवेज पोल, ये सबसे लचर आर्ग्यूमेंट है कि अगर सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो 1 साल उसी तैयारी चलती रहेगी, तैयारी उतने समय में ही जाती है, पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्र का मूल मुद्दा है संवाद, अगर संवाद छोड़ के हम बैठकों में जाएंगे नहीं, बात करेंगे ही नहीं, तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? अब वहां जाके कहिए जो आपको कहना है, वर्किंग पेपर नीति आयोग का उसको लेकर बैठिए। तीसरी बात, इलेक्शन एक साथ होने से सबसे बड़ा लाभ ऑपोजिशन को होगा, क्योंकि ऑपोजिशन के पास रिसोर्स क्रंच होता है ना, इनका तो कहना है कि भाजपा के पास बहुत रिसोर्सेज है, भाजपा के पास सरकार है, तो उसका फायदा अगर विपक्ष को होता है एक साथ चुनाव होने का तो विपक्ष ने उसके लिए जाना चाहिए। आफ्टरऑल 1952 से लेकर 1971 तक जब तक एक साथ गवर्नमेंट नहीं गिरी इलेक्शन एक साथ होते थे, उसके बाद 1984 में कई सरकारें एक साथ गिराने के बाद में ये बार बार होने लग गया। और सवाल ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर, सवाल है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसके कारण वो निर्णय ले ही नहीं सकते। तो ये सारी जो बातें हैं इसके बारे में आप ये भी समझिए, जब कहते हैं कि इनको डर यह है कि इलेक्शन होगा तो एक साथ लोग उसी तरह वोट देंगे, सच नहीं है। दिल्ली के अंदर लोगों ने कहा केजरी फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम, राजस्थान में कहा मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा दाई खैर नहीं, तो लोग समझदार हैं। हम लोगों की बुद्धि के ऊपर शक करते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि लोगों ने लगातार राज्य और केंद्र में फर्क करते हैं। बहुत छोटी सी बात रखना चाहूंगा कि जिस देश में विरोध के लिए विरोध करना बंद करें। प्रशांत जी आप चुप रहिए, निशांत जी आप चुप रहिए, बात करने दीजिए। मुझे आपका ये बीच में बोलने का जो तरीका बिल्कुल गलत है। अरे मैंने बात नहीं करें उसको बोल दे दीजिए। रतन शादा जी मुझे कहा गया इसलिए मैंने बोलना शुरू किया। इनकी आदत है आपके आदेश की आवश्यकता नहीं है, बात करते हैं सामने वाले को बोलने नहीं देते। मुझे कहा गया बोलने के लिए तब मैंने बात करनी शुरू करी। आप सुनना सीखिए, मुझे सुनना सीखिए, बात करने की, सुनने आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको पता मैं आपकी बात पसंद नहीं कर रहा हूँ। अध्यक्ष में आप ये कहते हैं जब इलेक्शन एक बार होंगे तो एक साथ तैयारी चलेगी, आपको पता चलता है आप क्या कह रहे हैं? आप विरोध के लिए विरोध करते हैं, कहते हैं इलेक्शन हो एक साथ मैंने कहा मेरे शो में प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अब आप इस पर तर्क रखिए, आप इस पर वाद विवाद कीजिए कि क्या वन नेशन वन पोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। रतन शारदा आपने अपनी बात रखी, अब निशांत वर्मा एक लाइन में जवाब इस बात का देना चाहता हूं कि जिस देश में 6 लाख गांव हो, जिस देश के अंदर इतने सारे महानगर नगर और पालिकाएं हो, उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि वन नेशन वन पोल हो तो उस चीज को कंडक्ट करने के लिए ना हमारे पास फोर्सेस हैं, ना हमारे पास अधिकारी हैं, ना हमारे पास कुछ है। अब इस बात को पहले या तो व्हाइट पेपर पे बना करके सरकार या कोई भी पार्टी उसका प्रोटोटाइप रखे कि भाई इस तरीके की बात है, तब जाके उस पर बहस की जाती है। रतन शारदा मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, पहले राज्य और केंद्र की चुनावों की बात करें, उसके बाद अगले हल होंगे। पंचायत और नगर पालिका की बात नहीं हो रही, बड़े मुद्दे केंद्र और केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के होते हैं। वन नेशन वन पोल का मतलब क्या रहा हो सकते हैं, यहाँ से शुरुआत है। नहीं शुरुआत नहीं होती सर, माफ कीजिएगा, वन नेशन वन पोल करना है तो सारे इलेक्शन करेंगे या तो इलेक्शन करेंगे उसमें कोई बुराई नहीं। अगर हर इलेक्शन दो दो महीने में करेंगे बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कोई कानून नहीं है, कानून नए बनेंगे, बच्चे बदलते हैं समय के साथ कानून बदलेंगे। सरकार क्या की बात करती है, मेरी ये समझ में नहीं आती। आपका ये कहना कि सरकार मुद्दे रख रही है, इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा देश, क्या सरकारें एक मुद्दे में चलती है? सुनिए ना सर, मुझे ये बताइए सरकार एक मुद्दे में चलती है? सरकार के द्वारा मंत्री बनने लेके काम करते हैं, अभी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना है, जिसकी प्रैक्टिकलिटी को एग्जीक्यूशन को समझना है, मेरे भी ये समझ में आ रहा है। लेकिन राहुल चक्रवर्ती वो तो तभी संभव हो पाएगा ना जब आप इस मसले तो पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मिलकर बात करें। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, टीएमसी तो वो भी नहीं कर रही है। सुनिए रूबिका जी, बेहतर दिशा सुन रहा था, बात यह है, देखिए देश में बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे दिक्कत है, जो आज अगर भाजपा ने यह सोच लिया कि केंद्र सरकार जो क्षमता में आने का बाद हम लोग सब भूल गए हैं, बात तो वो नहीं है। सवाल समस्या तो समस्या ही है, उसका जवाब को हम लोग को सवाल करते ही रहेंगे और जवाब का क्या होगा। देखिए ऐसा तो नहीं है सब हर चीज को डिफोकस करने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया है। अगर मीटिंग बुलाया गया है तो उसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए, अगर किसी को बुलाते हैं तो उसको लिए एक बात चाहिए। वन नेशन वन वोट इतना आसानी से चीज नहीं है। आज जो निशान जी बोल रहा था मैं उनसे सहमत हूं, जो ऐसा नहीं है जो विधानसभा लोकसभा लेकर चुनाव हो गया, वन नेशन वन वोट मतलब उसमें नगर पालिका आना चाहिए, पंचायत आना चाहिए, जितना सारे वोट है हिंदुस्तान में। मेरा सवाल तो सुन लेते सर, मैं ये अगर बंगाल में पहला कदम है, मैं कह रही हूँ आप नवाब मलिक, रतन शारदा, निशांत वर्मा, जीवीएल, आप सब मिलकर इस मसले पर बात तो शुरू करें। हमारी बात करने देगी? नहीं नहीं करने दूंगी सर, क्यों नहीं करने दूंगी, आपको बुलाया है अपनी बात रखने के लिए। है जो बंगाल में इतना फौजी भेज दिया, बंगाल में एक चुनौती के लिए इतना फौजी भेज दिया, इतना फौजी लेके इलेक्शन करवाया, अगर एक देश एक नेशन का वोट हो तो कितना फोर्स चाहिए, कितना सोर्स चाहिए, बंगाल में क्या होगा? संरक्षण का बात हम भी करेंगे, संरक्षण क्या होगा अगर उसमें प्रेसिडेंट शासन जारी हो गया, उसका क्या होगा? अगर मिड टर्म पोल हो उसका क्या होगा? अगर बाद में बाय इलेक्शन हुआ उसका क्या होगा? ठीक है, अब ये सारे सवाल चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको चाहिए राहुल चक्रवर्ती, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, इन सारे सवालों का आपको जवाब चाहिए ना। अरे उस मसले पर बात तो आगे बढ़ती, आपने तो सर्वदलीय बैठक का ही बॉयकॉट कर दिया। आप इस मसले पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, आपने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। टाइम पास है, मसला नहीं, आपने अपनी सोच से दरवाजा बंद कर दिया। जी भी मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव हो या नहीं हो इस पर तो चर्चा हो, आप तो चर्चा से ही भाग रहे हैं। जी भी नहीं रूबिका जी, कई सारे ऐसे विषय जो नामुमकिन लगे वो मुमकिन हो पाए अभी कुछ ही साल पहले हुए हैं, और जो पहले जो मसले को कभी कभी दशकों लगते थे ये कुछ ही दिनों में इस प्रकार का निराकरण इसका कराया गया। और जो ईबीसी रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके लिए जो 10% का आरक्षण में कितना समय लगा,
एक पॉलिटिकल एक सबके एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति थी, सरकार की इच्छा शक्ति थी और विपक्षी दलों ने समर्थन किया। केवल चार दिन में, तीन या चार दिन में ऐतिहासिक एक संवैधानिक बिल को पारित किया। ये इस विषय में भी कोई इस प्रकार का कोई कंसेंसस बनता है, ये कुछ ही दिनों की बात है। जो विषय आप उठा रहे हैं उस सबका किसी न किसी प्रकार उसका समाधान किया जा सकता है। पर लेकिन आपको 500 साल चुनाव लड़ना है, ना सर है ना पैर है, रुबिका जी मुझे बोलने को बुला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये आप ऐसी मीटिंग बुलाते हैं नरसिम्हा राव जी के बीमारियों का रुबिका जी मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, जानकारी आप ये मीटिंग बुलाते हैं कि एजुकेशन को एक जैसे कैसे बनाया जाए? आप ये मीटिंग बुलाते आप चुनाव को लेकर ये जो आपकी दुविधा है, ये जो संसद में कामकाज बढ़ाने के उपाय पर भी वहाँ चर्चा हो रही थी भाई, आपने इसका तो ध्यान नहीं दिया। नहीं, इस सवाल इस मसले पर भी चर्चा हो रही थी कि पिछड़े जिलों का विकास कैसे किया जाए, इस पर तो आपने ध्यान नहीं दिया। आप डर गए एक देश चुनाव से, आप क्यों डर गए एक देश? पिछड़े जिलों का विकास दो तरीके से होता है, राज्य सरकारें करती हैं। ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम्स है, जाने का जाने की जा रही है कि नहीं जा रही है? कौन जा रहा है? मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कौन गया कौन नहीं गया, टीएमसी गया नहीं गया, पर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे पर सवाल उठा करके निशांत वर्मा बहुत सरल सवाल काम का मतलब निशांत वर्मा और राहुल चक्रवर्ती आप दोनों से बहुत सरल सवाल सवाल सुन लीजिए बहुत सरल सवाल सवाल सुन लीजिए आप लोगों को ये मोदी का एजेंडा क्यों दिखाई दे रहा है? ये आपको देश का एजेंडा क्यों नहीं दिख रहा है? ये चुनावी क्रांति के तौर पर आपको क्यों नहीं दिख रहा है? अमित शाह की बात करी, मोदी जी का नाम तक नहीं लिया कि अमित शाह ने क्या कारण बताए। अरे वो कारण तो उस चीज को पहले रिजॉल्व करें। वो कहते हैं उनके दो ही कारण थे, मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया। मैं देखिए हर चीज में बात तरीके से करना चाहता हूं। अमित शाह ने दो कारण बताए और दोनों कारण जो है उनका कोई सेंस नहीं बनता। तो जिस बात में कोई सेंस नहीं बनता, जवाब दीजिए, आप बुलाएंगे मैं क्यों आऊंगा मीटिंग? जी वीएल, तो बेसिकली निशांत वर्मा ये कह रहे हैं कि ये तो टाइम खराब करने के लिए है, ये लागू हो ही नहीं सकता है, इस पर चिंतन और मंथन हो ही नहीं सकता है। यू गाइज आर वेस्टिंग टाइम। रुबिका जी, राहुल जी बता रहे क्यों नहीं? नहीं देखिए ये नहीं नहीं, जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो सकता है, यदि इच्छा नहीं है, और समर्थन है। थोड़ा सा फर्क और बार बार जो जनता के लिए हम विकास की काम नहीं कर पाते हैं, विकास बाधा हो जाए। आप तो चुप रहो यार, थोड़ा सुन तो लो। हाँ सुनिए, भाषण देने के लिए मत आओ यहाँ, हम भी बोल रहे हैं तो सुन के बात करिए। बात रखिए। अच्छा, जनता का समय, जनता का ने विकास में बाधा, विकास में बाधा आ जाता है तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास में क्यों बाधा आता है? क्योंकि सारा टाइम आप प्रचार में लगे रहते हैं। पांच साल आप गवर्नेंस नहीं करते, आप प्रचार में घूमते रहते हैं, इसलिए आप सही बोल रहे हैं। विकास में बाधा आती है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विकास में बाधा आती है क्योंकि आप काम नहीं करते। आप हेलीकॉप्टर उठाया, हवाई जहाज उठाया, प्रचार में घूमते की तरह काम करे तो आपको गवर्नेंस के लिए जनता ने बता दिया ना, जरूरत नहीं है। जनता ने आप काम नहीं करते हैं, आपके विकास में बाधा आती है, आप काम करने के लिए चुने गए, आप काम करिए बजाय। आपने कभी सुना इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कभी इस तरीके से घूमते थे? इसके उदाहरण मनमोहन सिंह क्या मतलब घूमते थे? अरे उनकी सबकी ड्यूटी लगती है। देखिए क्या बात, शासकीय दिक्कत है, बीजेपी की दिक्कत है कि इससे पहले चुनाव प्रचार होता ही नहीं था। 2014 के बाद ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ, नहीं कर पाते। निशांत, ये वो तर्क है, ये वो तर्क है जिससे जिससे कोई अग्री नहीं करेगा। क्या मतलब है आपका? आपको क्या लगता है इससे पहले कैंपेनिंग नहीं होती थी? नहीं, एक सेकंड, मैं नवाब मलिक के पास जाना चाहती हूँ। नवाब मलिक साहब, मेरे पास ये कुछ आंकड़े हैं जो मैं दर्शकों को भी पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जो स्टेट इलेक्शन पर खर्च होता है, महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो 2014 में वो 500 करोड़ था। बिहार की अगर बात करूँ, ये मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ, तो 300 करोड़ था। गुजरात की अगर बात करूँ तो वो 250 करोड़। कर्नाटक की बात करूँ, मतलब ये कुछ राज्य है 500 करोड़। लेकिन जो रफ एस्टिमेट है लोकसभा और स्टेट इलेक्शन अलग अलग करवाने की, वो कुछ 10,000 करोड़ है। 10,000 करोड़, इसको कम नहीं किया जा सकता अगर एक कर दिया जाए तो? ऐसा है, एक कर दिया जाए ना, उस पर किसको आपत्ति है? अगर कोई संशोधन करना है
तो संशोधन के लिए सारी चीजें जो लोकसभा में बहुमत का सवाल है इनके पास है। हमारा है कि मैंने जो शुरुआत में कुछ मुद्दे उठाए थे कि असेंबलियों का पीरियड कर्टेल होगा तो कैसे होगा, लोकसभा का कर्टेल होगा तो कितना करेंगे, ये सारे सवाल है। जब कहीं तो अविश्वास के कारण सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन अगर लगा दोगे असेंबली भंग कर दी जाएगी तब क्या होगा, ये सब कागज पर ले आए, सहमति बन सकती है, हम कोई उसके विरोध में नहीं है, लेकिन कैसे होगी ये बताना पड़ेगा। जो आज जिस तरह से पांच मुद्दों को एक साथ रखा गया, हाँ? हमें लगता अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बैठ के बुलाते तो शायद अपोजिशन से संवाद की बात भी शुरू हो जाती। एक ही साथ पांच मुद्दे रखने का कोई औचित्य नहीं था, पांच विषय के अलग अलग बैठकें होती तो संवाद कहीं ना कहीं विपक्ष से शुरू होता। पहली बार बैठक बुलाई गई, प्रहलाद जोशी जी ने निमंत्रण दिया लोगों को, तो हमें लगता शुरुआत है, बातचीत होनी चाहिए। अगर एक चुनाव हो जाए तो देश में किसी का विरोध है, हम नहीं समझते कि लोग चाहते हैं कि चुनाव ना हो, खर्चा ना बचे। हाँ। अगर करना है तो जो शुरुआत हो सकती थी और अलग अलग मसले पर बात की जा सकती थी। रतन शादा, संवाद करना ही था तो एक साथ सब चीजों को क्यों आपने मिक्स कर दिया, वो खिचड़ी बना दी, वो पलीता बना दिया, तो जिसकी जो जैसी मर्जी आई उसने वैसा उस पर रिएक्ट किया। देखिए, मैं नवाब मलिक जी की बात से पूरा सहमत हूँ कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अभी एजेंडा है, मुद्दे पांच थे कि चार थे ये मुद्दा नहीं है। अगली बार वो कह सकते हैं कि एक बार में एक बैठक बुलाइए। और दूसरी बात, जब कह रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं कर सकते, करना क्या है, एक पोलिंग बूथ में एक ईवीएम की मशीन की जगह चार मशीनें रखनी है, वोटर आएगा चारों मशीन में अलग अलग वोट डालेगा, दिक्कत क्या उसके अंदर। और जहां तक सवाल है सरकार का, सरकारें बहुत बड़ी होती हैं, सरकारों के पास कई मंत्री होते हैं, बहुत बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्शन कमीशन है, नीति आयोग है, एक विषय के ऊपर सरकार नहीं चलती। अगर मैंने एक चुनाव का मुद्दा उठाया मतलब ये नहीं कि सारे मुद्दे डूब गए। और अगर इस प्रकार फेडरल स्ट्रक्चर गिर सकता है तो 1971 में फेडरल स्ट्रक्चर गिरा नहीं। तो ये सवाल है कि आज मोदी है, कल को इंदिरा गांधी थी इतनी बड़ी नेता, वो भी हारी थी, राजीव गांधी भी हारे थे, केवल मोदी जी के हउवे से विरोध के लिए विरोध करते रहेंगे तो जनता देख रही है। इस तरह के लड़ाके मिजाज जो चल रहे हैं इलेक्शन के समय के, उसके बाद भी चलाना ये शोभा नहीं देता। राहुल चक्रवर्ती, टीएमसी का ये कहना है कि हमको बुलाया नहीं, हमको बताया नहीं, मेरा ख्याल है टीएमसी जाके बात कर सकती थी। जनतंत्र के ये लोग इतने समर्थक है, जहां पर जय श्री राम कहने पर जेल में डाल देते हैं, वो बात करने से क्यों डरते हैं। मेरा सवाल है कि आप मुद्दे वहां रखिए, आप सामने व्हाइट पेपर नीति आयोग का प्रश्न उठाइए, एक बार नियत साफ होनी चाहिए, नियत साफ होगी रास्ता निकल सकता है। सबको पता है कि दो दो महीने में कोई प्रोडक्ट लागू होता है ना, नीति आयोग का पहले बताया सर, नीति आयोग का है ना पेपर, तो ये मुद्दा जो उठा सर, नीति आयोग का मुद्दा है ना, जिला इसका तैयारी कौन करेगा, कौन सा जिला है, ये राज्य सरकार को अंधेरा में रखकर तो होगा नहीं, तो राज्य सरकार को तो आपको कम से कम इतला करना होगा भाई, यही काम हो रहा है, यही एजेंडा है, इतना से एजेंडा बहुत बड़ा विषय है, आप बातचीत शुरू करेंगे, हर एजेंडा इंपॉर्टेंट है, देखिए उसमें एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, बड़ा है, बात शुरू ही नहीं करेंगे, जो बात बढ़ेगी कैसे राहुल जी, तो ये हो क्यों रहा है, नीति आयोग का पेपर है ना राहुल जी, के लिए बुलाने मतलब नहीं है, किसी का पास टाइम नहीं है बर्बाद करने का, नीति आयोग का पेपर है, ये बर्बाद करने वाली काम बात है, आपको लगता है, आपको लगता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर पांच अलग अलग मुद्दों पर बात करना वेस्टेज ऑफ टाइम राहुल चक्रवर्ती, नीति आयोग का पेपर मतलब जो दीदी करे वही सब सब जो है टाइम की बढ़िया नहीं वही वही टाइम को बढ़िया तरीके से आगे बाढ़ के मुद्दे पर भी वेस्ट करता है, इनकी दीदी तो मोदी जी को बाढ़ के लिए भी नहीं मिलती, बुलाने के लिए बुलाना, रुबिका जी मुझे बाढ़ के मुद्दे पर मोदी जी को मिलने पर तैयार, जनता दल यूनाइटेड वहाँ पहुँचती है, लोक जनशक्ति पार्टी वहाँ पर पहुँचती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर पहुँचती है, पीडीपी वहाँ पर पहुँचती है, एआईएमआईएम वहाँ पर पहुँचती है, वाईएसआर टीआरएस वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन टीएमसी को जाने में क्यों दिक्कत है, क्यों दिक्कत है वहाँ जाने में, अरे टीएमसी अकेला क्यों, ये कांग्रेस नहीं गया, शिवसेना नहीं गया, बहुत आदमी नहीं गया, अरे शिवसेना का तो आज स्थापना दिवस है, इसलिए शिवसेना वहाँ पर नहीं है, इतनी तो जानकारी रखिए राहुल चक्रवर्ती, अभी 5 बजे जब हम डिबेट कर रहे हैं वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं स्थापना दिवस अपना, और आपको एक व्हाइट पेपर निकलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री बाढ़ के लिए मिलने को तैयार नहीं है, बुला दीजिएगा, वैसा नहीं चलता है शादा, रतन शादा की बात में दम तो है ना, आपको बाढ़ पीड़ितों को कैसे सहायता पहुंचाई जाए
पीएम उसके लिए फोन करे तब आपके लिए टाइम, आपके पास टाइम नहीं है। पीएम अगर ये कहे कि मैं पंच जो धातु है उसकी मूर्ति के मूर्ति लगवा देता हूँ ईश्वरचंद विद्यासागर की, तब भी आपको लगता है गड़बड़ है। अगर वो ये कहे कि वन नेशन वन पोल के लिए आइए चर्चा करें तो भी आपको गड़बड़ी लगती है। जितना सारे समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दे का कोई फैसला तो हुआ नहीं आज तक। आज तक तो कोई किसी का सोल्यूशन नहीं निकला। अच्छा आपके चीफ मिनिस्टर सड़क पर उतर के लड़ाइयां करती है, आपको कौन से मुद्दे सुलझा लिए? देखिए मैं एक बात रखना चाहता हूँ रूबिका जी, अरे मुद्दा बहुत सारे मुद्दा है रतन जी, आप लोग सुलझा लिए। आप यहाँ पे बगैर सर पैर की बातें मत कीजिए ना, मैं कह रही हूँ चलिए छोड़ दीजिए। वन नेशन वन पोल पर आप लोग बात नहीं करते, वन नेशन वन पोल पर आप बात नहीं करते, लेकिन गांधी जी की 150वीं जयंती पर तो बात कर सकते थे। जवाब तो देना पड़ेगा। संसद में कार्य की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक बिंदु था जिस पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस पर तो अपनी बात रख सकते थे। पिछड़े जिलों के विकास, उस पर तो अपनी बात रख सकते थे। चुप हो जाते आप वन नेशन वन पोल पर, क्या होगा? मिड टर्म पोल हो गया, अगर बीच में हो गया सरकार, केंद्र सरकार गिर गया तो क्या होगा? रूबिका जी जी वीएल उसके बाद निशांत आपके, अगर बीच में बाय इलेक्शन हो उसका क्या होगा? रूबिका नहीं, रूबिका जी एक आज की जो बैठक है इसमें सभी राजनीतिक दलों के उनके अध्यक्षों को और उनके लीडर्स को बुलाया गया। ये पॉलिटिकल एक तरह से चर्चा होती है राजनीतिक दल पर विषय, यही राजनीतिक दल पार्लियामेंट में है, स्टेट असेंबली में है, सरकार में है। और केवल आज की मीटिंग नहीं, ममता बनर्जी ने नीति आयोग की मीटिंग जिसमें सभी मुख्यमंत्री को बुलाया गया वो मीटिंग को भी उन्होंने बॉयकॉट किया है। तो एक तरह से मतलब आप अपनी राजनीति को अब केंद्र और प्रदेश के संबंधों में घसीटना चाहती है तो आपको राजनीतिक चुनौती हमसे मिल रही है। क्या होगा इसलिए आप देश की प्रदेश की और बंगाल की जनता के साथ अन्याय करना चाहते हैं? आप विकास को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? आप केंद्र सरकार के साथ इस प्रकार का तनाव का रिश्ता खुद आप खड़ा करना चाहते हैं तो आगे क्या बढ़ाएंगे? तो ये आप अपनी आगे नहीं निभा रहे हैं तो देश की प्रदेश की जनता ने कमिटमेंट किए थे आपने आपको सरकार ने इसलिए बिठाया ताकि आप उनकी सेवा करें। मैं ये कह रही हूँ एक नई सरकार का गठन हुआ राहुल चक्रवर्ती और राहुल चक्रवर्ती जीवीएल, मैंने आप दोनों को मौका दिया। एक सेकंड मत कीजिए सर, मत कीजिए तूतू मैम, बढ़िया बहस जा रही है। राहुल चक्रवर्ती, जब मैं कहती हूँ वन नेशन वन पोल पर आप बात नहीं करते, आप दूसरे मुद्दों पर बात करते तो आप ये कहने लग जाते हैं कि नहीं बड़ा कंफ्यूजन है वन नेशन वन पोल में, ये सवाल है, इसके जवाब क्यों नहीं देते? मैं जब कहती हूँ कि आप एक देश एक चुनाव पर बहस कीजिए तो आप कहते हैं नहीं देश में दूसरे मुद्दे भी है, हमें तो उस पर चर्चा करनी है। एक तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए ना, आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी का और बीजेपी का विरोध करना है तो आप ताल ठोक की बात कह दीजिए कि कुछ भी हो जाए जिसका समर्थन मोदी करेंगे उसका हम लोग विरोध करेंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। नवाब मलिक साहब देखिए रूबिका जी, आपने बात कही कि गांधी जी की 150 साल जयंती का जश्न है उस पर भी चर्चा थी, तो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं 543 लोग या अपर हाउस में जो लोग बैठे हैं उनको पहले गांधी समझाना पड़ेगा, प्रज्ञा ठाकुर को समझाना पड़ेगा, साक्षी महाराज को समझाना पड़ेगा। जो लोग गांधी जी के खिलाफ गोडसे के समर्थन में खड़े हैं उनका हृदय परिवर्तन की भी जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों की है। ये इस सोच के भी लोग आए हैं तो पार्लियामेंट में शुरुआत हो कि बापू क्या है लोगों को समझाने की, ये सबसे पहले शुरुआत बीजेपी करे हम मांग करते हैं। रतन शादा, इसे कहते हैं भिगो के सवाल आपकी तरफ फेंकना। गांधी जयंती 150वीं जयंती पर आप क्या आपके अपने सांसदों को समझाना पड़ेगा? देखिए प्रजातंत्र है, सबको सब विचार रखने की आजादी, ये भी मुझे जो मर्जी कह सकते हैं क्योंकि संघ के ऊपर आरोप लगाना तो इनका इसमें जिंदगी निकल गई, 70 साल निकल गए। अगर ये गांधी पे और संघ पे करना चाहें बहस तो मैं अलग से एक घंटे की बहस करने को तैयार हूँ। गांधी जी के जीवन पर जितना फॉलो अप संघ ने किया है, गांधी के आदर्शों को जितना संघ ने चलाया किसी भी पार्टी ने किसी भी संगठन ने नहीं चलाया, मैं इसका दावा कर सकता हूँ। कांग्रेस वाले ने गांधी को केवल भुनाया है, उनके बारे में सही जो उन्होंने कहा किसी पार्टी ने किया नहीं,
इन्होंने उसका नाम ले लेकर कोने में डाल दिया, नेहरू ऑनवर्ड सभी ने। गांधी ने विकेंद्रीकरण की बात की, नेहरू ने केंद्रीकरण की बात की। गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की, नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की। गांधी ने समाजवाद बात की, व्यक्तिगत इन्होंने कहा कि हम सरकार को करेंगे। क्या ये सच नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा जो है नाथूराम गोडसे, भाजपा साध्वी प्रज्ञा से नहीं बनी ना। अरे 303 संसद है, सांसद है, तो उसको तो हमने कंडेम किया। अभी नादान है, अगर 303 में से एक साध्वी है तो बीजेपी नहीं बनी ना। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक संघ नहीं बनाना। झूठे आरोप है, सच्चे आरोप है। जिस साध्वी को आपने, जिस साध्वी को आप चुप रही है, आपसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस साध्वी प्रज्ञा को सालों साल आपने जेल में रखा, अत्याचार किया, साध्वी की बात मत करिए। झूठी आपने भगवा, आपने भगवा आतंक के नाम पर, आपने भगवा आतंक के नाम पर उसको लगातार प्रताड़ित किया, अत्याचार किया, सारे रतन शारदा जी एक बार गोडसे मुर्दाबाद और गोडसे को तारीफ करने वाला बोला। इनको जरा रोकिए, मैं गोडसे पर अपना वक्त जाया करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं जीबीएल से मैं बात करूंगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जीबीएल है ना, जीबीएल आएंगे। निशांत शर्मा रुक जाइए, निशांत शर्मा रुक जाइए। माफी मांगी तबादले आप लोग भगवान जीबीएल एक बड़ा सवाल है। नादान कहते हैं, मैं इतने बड़े मुद्दे पर बात कर रही हूँ और आप दोबारा उसी मसले पर आ गए हैं, तुतुलाने का जिक्र करने लग गए हैं। एक सेकंड, जीबीएल मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है, मैं वापस लौट कर उसी बात पर आ रही हूँ। देश ये समझता है कि हमेशा अगर आप चुनावी मोड में रहेंगे, हमेशा आप हर साल चार कम से कम चुनाव तो हो ही जाते हैं राज्यों के, ऐसे में लोगों का काम कैसे हो पाएगा? अगर आप ये बाकी पार्टियों को समझा पाएंगे तो जनता के लिए भी बेहतर होगा, और नहीं समझा पाएंगे तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। नहीं रूबिका जी, सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार का एक पॉलिटिकल कंसेंसस, आम सहमति बनाने की एक प्रयास है। वो प्रयास पिछले टर्म में भी कुछ किए गए और ये आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि एक आम सहमति से, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा और उसके लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास आज नहीं है, राज्यसभा में खासकर नहीं है। हमारे पास राज्यसभा में बहुमत भी नहीं है, तो इसलिए एक सहमति जब बनेगी तभी यह संभव होगा। बट तो लेकिन उस तो दिशा में सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि आप आखिरी और जो भी राजनीतिक दल की सवाल होंगे, सहमति कैसे बनाएंगे? शुरुआत ही आपकी उस बैकबोन पर हुई है जिसमें देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने आपकी मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। टीएमसी ने मुंह फेर लिया है। नहीं नहीं कुछ बैड, बहुत एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बीएसपी समाजवादी पार्टी आई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन काफी दलों ने आज मुद्दे पे आए हैं, अगर इनको इनको तवज्जो देनी है तो रूबिका जी, जो सिस्टम है के घटक इतने बड़े नहीं है, वो भी आज आज मीटिंग में आए हैं और हमारी ताकत बढ़ने वाली चर्चा होती है। बजाय इसके उन्होंने एक चाय समोसे की पार्टी करी और सोचा कंसेंसस मिल जाएगा। नरसिम्हा राव साहब, चाहे समोसे की पार्टी से कंसेंसस ही मिलता है। आपको स्टेप्स बताने चाहिए थे, आपको एक ड्राफ्ट बिल बनाना चाहिए था इतने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, ताकि और चुनाव और पिछले जिले नवाब मलिक ने ऐसा, रूबिका जी जो जीबीएल ने कहा कि संवैधानिक संशोधन के साथ हो सकता है, पॉलिटिकल भी, पॉलिटिकल डिसीजन से भी हो सकता है। आपके पास पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में बहुमत है, अगर आप निर्णय लेके कुछ त्याग करने की भूमिका में आ जाएं, अपनी सरकारों को कहीं ना कहीं त्यागने की भूमिका में आ जाएं, विपक्ष देखता रह जाएगा तो भी देश में एक देश एक चुनाव हो जाएगा। बिल आप में है तो आप निर्णय लेके भी कर सकते हैं, पिछले कार्यकाल में भी हो सकता था, आगे भी हो सकता है, लेकिन कंसेंसस बनाना है। लेकिन तो लेकिन नवाब संवाद के लिए आप लोगों ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं साथ लाने का प्रयास करना। अगर ये काम, अगर ये काम इस सरकार ने कर लिया तो सबसे पहला और तीखा प्रहार जो है वो सरकार पर ही होने वाला है। ये कहते हुए कि बाकी पार्टियां कहाँ गई थी, उनसे एक मरतबा पूछ तो लेते। आपने यहाँ पर एकदम तानाशाही रवैया अपनाया है,
ये सबसे पहला प्रहार होगा जो सरकार पर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।